इन दिनों इंदौर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन ने जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो पलासिया थाने का बताया जा रहा है और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी है जो फरियादियों की शिकायत दर्ज ना कर उनके साथ अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी शिकायत लेकर पहुंचे परिवार के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है और गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मी ने पहले दो पुरुषों के साथ मारपीट की और इसके बाद वो महिलाओं की भी नहीं सुन रहा है। पुलिसकर्मी महिलाओं को अभद्र शब्द बोल रहा है और गालियां देते हुए झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी हेल्प डेस्क पर बैठा हुआ था और जिस तरह से उसका व्यवहार है उसके चलते पुलिस की छवि जनता के सामने गलत तरीके से पेश हो रही है, जबकि बड़े बड़े अधिकारी ADG और SSP तक पुलिस की छवि को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वायरल हुए वीडियो में पुलिसकर्मी जिस तरह से मारपीट कर रहा है और अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, ये पुलिस की छवि को बदनाम कर रहा है और जनता के बीच ये भ्रम फैला रहा है कि पुलिस आपके साथ बुरा व्यवहार करेगी, आपकी मदद नहीं करेगी। आप भी देखें ये वीडियो और देखें कि किस तरह से पुलिसकर्मी मारपीट कर रहा है और अपशब्दों का उपयोग कर रहा है। इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस की छवि जनता के सामने खराब कर रहा है। और कौन है? तेरा नाम क्या? तू जरा तेरा क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? है असली नाम क्या है? कहाँ मारा तेरा को? नहीं कहाँ मारा है? अरे मैं क्या छू उठा उसको तो तेरी भी जरूरत मुंह हो रही है। दादा मतलब तेरे को छब्बीस छबी और पता तू भी मुकदमा खत्म करके काम करा तो बंद कर दू जमीन जो है सर पे अपने सर पे उठा रखी है मानस शोधों ने। मैं तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करके अभी यहाँ जीते बार नहीं कर दूंगा समझी। मैंने जो पहले उसको संभाला नहीं जब उसने शादी कर दिया तब जो है तकलीफ हो रही तेरे को हराम खोल जाने ये मुझा नहीं बताना कि तुम्हारी कहानी नहीं जानता हूँ। मैं पूरे खानदान को मैं जानता हूँ। अरे कौन सा तुम्हारे बाप ने कमाई में से तूने रकम भाव खर्च कर दिया? सब चोरी कर करके खर्च किया तूने? अरे नहीं सर, मैंने दिया क्यों तुमने खर्च किया भाई? ये इसको काहे के लिए पैदा किया? जब तुम खर्च नहीं कर सकती हो तो पैदा क्यों किया? बच्चे हैं जबरदस्ती उसकी गाड़ी देना तो तुम्हें और मेरे सामने वो इसका लड़का है और ये इसकी बहू है। लव मैरिज कर दिया अब इसको तकलीफ हो रही है क्या? ये क्या है? और तुमने तो खर्च कर दिया तो क्या मतलब वो पैसे ये भरेगी क्या? नहीं वो मंत्री बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों तुम्हारी तुम्हारी छोरे से जमे न तुम्हारी छोरी से जमे न किसी से आदमी तुम्हारा घोसले को मारा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।